नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की छोटी बड़ी सभी खबरों। भू माफिया और दबंगों के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। सरकार का बुलडोजर लगातार भू माफिया और दबंगों पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के भानपुर तहसील क्षेत्र के अजगैवा जंगल ग्राम पंचायत में भू माफिया और दबंगों ने 1400 बीघे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से पट्टा कराने के साथ उसे कब्जा भी कर लिया है, लेकिन जिला प्रशासन अब तक उक्त जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त नहीं करा पाया है। ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की है। शिकायत के बाद तहसील और जिला स्तरीय अधिकारी अब अवैध पट्टों को खारिज कराने की प्रक्रिया पूरी कराने में जुटे हैं। तहसील प्रशासन और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से जिले में सरकारी भूमि के अवैध पट्टे का बड़ा खेल हो गया। हिम्मत ऐसी कि जिम्मेदारों ने 1400 बीघे से अधिक खेतिहर भूमि को फर्जी तरीके से अपात्र लोगों को पट्टा कर खतौनी में उनका नाम दर्ज कर दिया गया है। भानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल में यह बड़ा खेल हुआ है। ग्राम प्रधान ने बैठक कर मुख्यमंत्री, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद व जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवैध पट्टे को खारिज करने में साथ गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है। प्रधान के पत्र के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। भानपुर तहसील से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मचारी मामले को दबाने में जुटे हैं, क्योंकि जांच होने पर तमाम लोगों का गला फंसना तय माना जा रहा है। पत्र में प्रधान मधुबाला चौधरी ने कहा कि ग्राम सभा के सरकारी अभिलेख में वर्ष 1978 से लेकर 1996 तक ग्राम सभा की 1400 बीघे सरकारी भूमि को फर्जी तरीके से ग्राम सभा के साथ दूसरे स्थान के लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए वर्ष 2008 में ग्रामीणों ने तत्कालीन जिलाधिकारी रोशन जैकब से मांग की। जांच हुई और पट्टा फर्जी पाया गया। रोशन जैकब ने तहसील स्तरीय अधिकारियों को फर्जी नाम अभिलेख से हटाने का निर्देश दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंग किस्म के कब्जेदारों और भू माफियाओं ने साजिश के तहत चकबंदी प्रक्रिया को आज तक शुरू नहीं होने दिया। तमाम लोगों की मृत्यु के बाद उनकी संतानों के नाम भूमि दर्ज कर दी गई है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है, तहसील से रिपोर्ट मांगी गई है, पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही कोर्ट के माध्यम से की जाएगी। इंडिया पावर न्यूज के लिए जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। इस प्रकरण में तहसील से रिपोर्ट मंगाई गई है और ये प्रकरण पूर्व में जो है इसमें एक FIR भी पंजीकृत है और उसमें आगे नियमानुसार जो पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई होती है कोर्ट के अधीन वो करी जाएगी। आपने क्या शिकायत किया है? हमने शिकायत ये किया कि लगभग में 40 वर्ष पहले हमारे यहाँ से चकबंदी नहीं हो पाई है। चकबंदी के लिए लोगों को तमाम परेशानियाँ हो रही हैं और ये भी शिकायत की है जो हमारे यहाँ लगभग में 1400 बीघा फर्जी तरीके से लोग पट्टा करा लिए हैं, उसके लिए भी हमने शिकायत DM साहब को दिया है, SDM साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, शासन को भी भेजा है कि हमारे जमीन को खाली करवा करके गरीबों को दिया जाए। दबंग लोग 10-10 बीघा 15-15 बीघा अपने नाम से पट्टा करवा रहे हैं फर्जी तरीके से और लोगों को बहुत आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। ना सड़कें हैं, ना कोई विद्यालय है ठीक ढंग से, ना हमारे यहाँ अस्पताल है। इसी कारण से हम ये सोच रहे हैं कि खारिज कर पट्टे को खारिज करके उसको गरीबों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाए। तमाम गरीब हैं जिनके लिए जिसको घर बनवाने के लिए जगह नहीं है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है, लोग बाहर से आकर के यहाँ पे पट्टा करा लिए फर्जी तरीके से। यही सोच रहे हैं कि क्या नाम हुआ है, जब तक पंचायत वो चकबंदी नहीं हो जाती है तब तक ठीक नहीं रहेगा। आपका नाम? हमारा नाम राकेश बहादुर श्रीवास्तव है, हम ग्राम बदहिया और अजगैवा जंगल के निवासी हैं, यहाँ के काश्तकार भी हैं। हमारे यहाँ काफ़ी अरसा से चकबंदी नहीं हो पा रही है, वही सन 1962 में हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाया है। अब छोटा छोटा खेत हो गया है, उससे काफ़ी परेशानी उत्पन्न हो रही है और यहाँ चकबंदी होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसका कारण यही है कि हमारे इस जगह में काफ़ी ज़मीन बंजर की है और उसको अवैध रूप से गांव के भूमाफिया लोग
अपने नाम से पट्टा करा लिया है और उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वजह से हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हो पा रही है और इनका नाम निरस्त करते हुए हमारे गांव में चकबंदी कराकर और हमारे गांव के नगरवासियों को न्याय दिलाया जाए। मैं रमेश चंद इस रिवा जंगल का किसान हूँ। हमारे यहाँ चकबंदी सन 1962 में हुई थी, तब से चकबंदी नहीं हुई और किसान परेशान है। उस गाँव में अनिश्चित रूप से 1400 बीघा पट्टा हो गया है और उस पट्टे को खारिज कराने के लिए ग्राम सभा की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि पट्टा खारिज हो जाए और इस गांव सभा की हर हाल में चकबंदी करा दी जाए। हमारी यही मांग है और हम शासन से चाहते हैं कि अवैध पट्टा खारिज हो, हमारे गांव चकबंदी करा दी जाए।